लेकिन मन में है और भागेगा तो पीछे से रबड़ पस जाएगा, बस इतनी सी बात। और पीछे जो कह रहे हैं वो जो अर्जुन बार बार वेदों की, शास्त्रों की, और कृष्ण कह दो छोड़ ना मेरे भाई, इन सबको तो मैं कब का छोड़ के आगे निकल चुका हूं, है ना। तो हम कृष्ण को दरअसल ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे हम प्रतीक मानते हैं कि भाई प्रकृति की त्रिगुण माया में तीन शक्तियां हैं, कि एक ब्रह्मा है जो पैदा करता है, एक विष्णु यानी कि बीच में टिकने वाला गुण मनुष्य का, और एक मारने वाला गुण। तो ब्रह्मा और महेश को तो अलग कर देते हैं कि भाई ये दोनों बातें एक एक सेकंड की है, बीच में बजा विष्णु। तो इस वजह से क्या होता है कि किसी भी अवतार को हम कहते हैं विष्णु का अवतार, कि भाई बीच में है उसका भगवान, उसके बीच में है, उसके जीवन में है। सो कृष्ण तीनों कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तीनों को पार कर चुका हूं, और इसलिए वो पूर्ण अवतार है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रलय उदय सब मेरे हाथ में, अर्जुन तो कहा धर्मों की बात कर रहे हैं, सब त्याग दे और जो मैं कह रहा हूं सुन ले, कि जो तेरा स्वधर्म है, तेरे मन में युद्ध नहीं होता। कृष्ण नहीं कहते, अगर कृष्ण की जगह सवाल महावीर ने पूछा होता तो कृष्ण कहते इतना इंतजार क्यों कर रहे, सवाल सामने वाले की साइकोलॉजी का, तो उम्मीद आप समझ गए कौन पूछ रहा है। हम भी डे टू डे करते हैं, कौन पूछा उस पर डिपेंड है ना, ठीक जवाब तो है नहीं साइकोलॉजी में। थैंक यू। मैं किस्सा सुनाता हूँ साइकोलॉजी का आखिरी में, क्योंकि सवालों का और जवाबों का अंत नहीं है, लेकिन हम तो कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण कहते हैं भूखे पेट भजन में गोपाल है ना, सो बेहतर है कि टाइम से खाना पीना शुरू करें, है ना। नहीं तो कृष्ण कहेंगे यार तुमने मेरी सभा में मेरी तुहिन कर दी भाई, मैंने पहले बोला भजन से भोजन पहले। एक आखिरी किस्सा सुनाता हूँ साइकोलॉजी समझाने के लिए कि परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो वो चीज सत्य है, साइकोलॉजी का सिद्धांत है, और परिवर्तन नहीं हुआ तो चीज असत्य है। बुद्ध के लिए एक मृत्यु सत्य हो गई, हम हजारों सालों से मृत्यु देखते आ रहे हैं, रोज मृत्यु देखते हैं, सत्य नहीं हो रही। तो आप कहेंगे कि मर गया, मैं कह रहा हूं वो तो मर गया लेकिन तुम्हारे में कुछ नहीं आया और बुद्ध में आ गया, तो बुद्ध के लिए वो मृत्यु सत्य हो गई, हमारे लिए असत्य हो गई। तो साइकोलॉजी शरीर का सत्य नहीं देखती, वो परिवर्तन में विश्वास करते कि तुम दो कदम भगवान की तरफ आगे बढ़े या नहीं बढ़े। एक किस्सा सुनाता हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन महान कैरेक्टर है, सभी जने जानते हैं। अब ये जोक है ना, सो मुल्ला नसीरुद्दीन को पीने की आदत थी, शरीफ आदमी था, दो तीन पैग पीता था बेचारा, और घर आता था, घर पे आके पत्नी के साथ प्यार से खाना खाता था, बातें करता था, सो जाता था, फिर दूसरे दिन सुबह टाइम से उठता था, सज्जन व्यक्ति था, दुकान पहुंच जाता था, दिन भर दुकान पे काम करता था, शाम को आते वक्त रास्ते में एक बियर बार पड़ता था, वहां पर नियम था दो तीन पैक लगाए घर आ जाता था। अब वैसे सिस्टम उसकी पूरी सेट थी, लेकिन पत्नी परेशान थी, एक तो मुसलमानों के शराब और ऊपर से शराब, और घर आने में दो घंटे लेट, परेशानी के तीन कारण थे। पत्नी ने काफी समझाया लेकिन मुल्ला को कुछ भी चीज लॉजिकल नहीं लगी, क्या सब कुछ सीधा चल रहा है, क्या तकलीफ। अब ऐसा हुआ कि अचानक गांव में कोई बड़ा फकीर आया, पत्नी उसके पास गई सुनने को, तो देखा फकीर बड़ा प्रभावी है और प्रभाव तो अपनी जगह, उसने शराब के खिलाफ 5-7 मिनट का धमाकेदार लेक्चर दिया, पत्नी तो इंप्रेस हो गई, ये मेरा काम कर देगा। तो पत्नी ने मुल्ला को पकड़ा और बोले चलो अपने को फकीर के पास चलना है। मुल्ला बोले मेरे को क्यों चलना है, मेरे को कोई फकीर वकीर में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो यूं फकीर हुआ पड़ा हूं। बोले नहीं नहीं चलना पड़ेगा आपको, मेरी कसम है। अब कोई भी हो कृष्ण एक्सेप्शन है, बाकी पत्नी आती बोलती बंद हो जाती। और कृष्ण से सबसे पहले ये सीखना है कि वो कि ऐसी क्या चीज है बोलती बोलती बंद हो जाए, कृष्ण से पहली चीज ये सीखना है कि ऐसी क्या बात है यार तो कृष्ण की बोलती बंद हो जाए। तो
मुल्ला की तो बोलती बंद हो गई। बोले चलो मिल आते। मुल्ला ने सोचा क्या दिक्कत है, तो निकला घर से पत्नी के साथ। वो जाने में रास्ता था नहीं, बस फॉर्मेलिटी थी निभानी थी। वहां मां पहुंचे तो पत्नी ने बता लिया इशारे से फकीर को, तो फकीर ने मिलने बुलवा लिया दोनों को। फकीर ने दोनों को मिलने बुलवा लिया। अब फकीर ने मुल्ला को ना शानदार तरीके से लपेटा और यहाँ वहां की बात करी और फिर शराब पे आया और फिर उसका अवगुण गिनाया और उसके पाप और ये। अरे मुल्ला को भी अच्छा लगा। पूरी बात खत्म करके फकीर ने पूछा समझ में आई बात? मुल्ला बोला ऐसा लग रहा है समझ में आ रही बात। पत्नी को तो बस समझ में आ गई ना, छोड़ दो, कसम खा लो कि आज के बाद मर जाऊंगा लेकिन दारू नहीं छोड़ूंगा। मुल्ला बोले नहीं कसम मतलब नहीं। अरे फकीर बोले क्या बात करते हो, आदमी हो कि क्या हो, जब बात समझ में आ रही है ऐसा लग रहा है तो कसम खाओ। मुल्ला को भी लग रहा है कसम खा लो, बात सही है क्या है, इस जन्म में भी मरना अगले जन्म में भी मरना ऊपर भी छोड़ दो कसम खा ली ठीक है भाई। पत्नी तो कुछ कुछ घर पे आ गई, ये बेचारा शरीफ आदमी दुकान पे बैठ गया। अब दिन भर की दुकान निपटा ली इसने, भूल भी गया कसम खाई थी। शाम हुई, शाम को रूटीन अपने घर के लिए चला चुपचाप, तब तक भी ठीक था। वो अचानक 20 फीट दूर भी अब आया, अब इसको याद आया अरे हाँ ये क्या, अब अंदर से तो आ रही है तलब और सामने भी है बार और उसने कसम खाई। मुल्ला तो फंस गया, पूरी तरह से फंस गया, अब करे क्या। फिर थोड़ा टाइट हुआ और बोले नहीं नहीं मुल्ला सुबह कसम खाइए, कुछ भी हो जाए निकल जाओ नहीं पीना ठीक है। जैसे जैसे दुकान निकट आए बेचारे के कदम रखड़ाए, मन अंदर से धक्के मारे लेकिन नहीं, अपने को समझाया नहीं मुल्ला नहीं किसी तरह से हिम्मत करके दुकान के सामने से निकल गया और फिर 5-6 कदम बड़े शान से चला, फिर रुका, फिर अपने पीठ थपथपाई, बोले वाह रे मुल्ला क्या बात है, कसम खाई तो निभाई, दुकान के सामने से निकल गया लेकिन पी नहीं, चलिए स्टीम पिला रहा। फिर आके बैठ गया। तो साइकोलॉजी चेंज नहीं होगी तो ये कसमें ये रस्में कुछ काम नहीं आएगी। एक आखिरी बात बता के फिर भी कोई सवाल होगा तो ले लूंगा, लेकिन सवालों का अंत नहीं होने वाला और भूखे पेट भजन करने का मतलब नहीं है कि गुरुजीव एक महान गुरु थे। समझना इस बात को, साइकोलॉजी को समझना। हम बदनाम यहां वहां करते हैं, भटक गए भटका दिए गए, तो कोई भी शिष्य उनके यहां जाता था ना तो सबसे पहले कहते थे तो कुछ मत कर, सबसे पहले क्या कहते थे कि तू कुछ भी मत कर, ये सामने शराब पड़ी है पिए जा और खूब पी और सब जने मिलके पी बस। अब वो क्यों ऐसा करते थे समझना, मैं बता रहा हूं। आदमी कहता है शराब खराब है, अभी एक ही ब्रांड है शराब की समझो और 20 जनों को साथ में बैठ के पिला दो, 20 जने शराब की वही। अच्छा ये 20 जने कौन है, दो आंख दो हाथ दो पांव वाले एक लीवर वाले, तो शरीर में भी कुछ नहीं है शराब में भी कुछ नहीं है। पीने के बाद बीसों के बिहेवियर अलग अलग हो जाते हैं ना, एक बोलता है क्या चाहिए, दूसरा बोलता है क्या तेरे पास। अब ये उसकी साइकोलॉजी है समझ लेना, ना शराब में पूछे गुरुजी ये कहते थे कि ना शराब में पूछे ना तेरे शरीर में पूछे, जो कुछ भी है वो तेरी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में वो बाहर निकल रहा है। अब आप लूटने की साइकोलॉजी से मंदिर में बैठे हो या बांटने की साइकोलॉजी से मदिरालय में बैठे हो, सवाल ये है साइकोलॉजी का। तो कुदरत में जो महान बन रहे हैं, कुदरत जिन पे मेहरबान है वो उन्हीं पे मेहरबान है, जिनकी साइकोलॉजी पवित्र है वो क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। और ये कृष्ण से बढ़िया कोई नहीं सिखाता। सो थैंक यू वेरी मच, शायद इजाजत हो।
जोर से। इतने सक्सेसफुल किताबों के बाद अब आप आपने एक नई किताब लाई है आई एम कृष्णा, हम जानना चाहेंगे श्री कृष्ण से आपका लिखा भगवत गीता मेरा फेवरेट ग्रंथ है, उसको पढ़ के मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन, और इसीलिए मैंने कृष्ण का जीवन पढ़ा, और जब पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इससे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इससे महत्वपूर्ण जीवन नहीं हो सकता जिससे सीखा जा सकता है, और इसीलिए मैंने कृष्ण के जीवन पे और उनकी साइकोलॉजी पे किताब लिखी ताकि मनुष्य को सीखने को मिले और उसका जीवन सुधरे। वो अलग अलग किताबों का पर उनका ज़्यादातर रुझान है, जैसे आप देख लेंगे अलग अलग जो फिक्शनल नॉन फिक्शनल जो होते हैं, नॉन फिक्शनल में कम फिक्शनल भी ज़्यादा होते हैं, तो इस किताब से कितना उनका लगाव रह सकता है और कितना उनका मार्गदर्शन हो सकता है किताब। ऐसा है कि अभी ऐसा नहीं है जैसा पहले सोचते थे, क्योंकि मैं एकदम सीधा बोलता हूँ, स्ट्रेट बोलता हूँ, साइकोलॉजी बोलता हूँ, फिर भी जो किताबों की सक्सेस है लोग बाग सुनते हैं उनमें परिवर्तन आता है, तो पुराने वाली बात नहीं है, काफ़ी लोग सुलझे हुए हैं और आराम से सुनते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिश्चित ही लोग बाग पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। ये किताब पढ़ के एक चीज़ में कह देता हूँ, कोई ध्यान से समझेगा कृष्ण के मन को तो वो जैसा है उससे हजारों गुना पावरफुल हो जाएगा पढ़ते ही। जैसे अभी हमने सुना बाहर भी मतलब कमिंग सून आपकी बुक आ रही है आई एम अ माइंड, माइंड तो बाजार में है, और आई एम आल्सो अ टाइम, ये मतलब कैसे आप अपने आप को ये टाइम और माइंड सब? नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ उससे कनेक्ट ज़्यादा होता है, उससे फिर कोई आपको गलती का चांस नहीं मिलता है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आई से लिखने के लिए बहुत परफेक्शन चाहिए सब्जेक्ट का, और क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं परफेक्ट लिखता हूँ इसलिए मैं आई से लिखता हूँ। आपकी बुक माइंड ये सब कब आ रही है? माइंड ऑलरेडी बाजार में है। आने वाले समय में और कौन सी किताबें आपकी? बहुत आ रही है, मेरी तो इच्छा है कि सब कुछ बराबर चला तो करीब 200 किताबें करीब लिखूंगा। आई एम द माइंड बेस्ट है, स्कूल के कैरिकुलम में भी शामिल है और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बुक है आई एम द माइंड, वर्ल्ड में इससे बढ़िया किताब नहीं हो सकती स्टूडेंट्स के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, है ना, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।